नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। व्यापारी व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज बाल दिवस है और बाल दिवस काफ़ी हर्षोल्लास से बच्चे मनाते हैं। सभी स्कूलों में फंक्शन होते हैं जगह जगह। जब नेहरू जी का ज़माना था तो ये एक बहुत बड़ा पर्व हुआ करता था, लेकिन जो जो सरकार बदल रही है, नई नई चीज़ों का पर्व चालू हो जा रहा है, पुरानी प्रथा को हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग को अपने कल्चर और पुरानी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। मेरा सरकार से यही कहना है कि नई जो चीज़ें नए ढंग से चालू करी वो ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति को ना भूलें, उस पर भी ध्यान दें और उस पर भी प्रकाश डालें। और आज विश्व डायबिटीज़ दिवस भी है। मेरा ये कहना है कि आज हर 10 में से 7 आदमी को डायबिटीज़ है, ये घर घर का रोग हो गया है। जैसा कि डायबिटीज के विषय में सभी जानते हैं कि जंक फूड्स आज हमारी अपनी सभ्यता को भूल के हम लोग बाहर की सभ्यताओं को अपना रहे हैं, जंक फूड्स ले रहे हैं अधिकतर से अधिक, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो कहती है वो कागज पे रह जाता है। हम लोग विदेशी सभ्यता को और विदेशी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और वही कारण है जो बीमारी का जो घर घर में घुसपैठ हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि आज हम लोग कोई शुद्ध चीज़ नहीं खा रहे हैं। हम अनाज भी खाते हैं तो समझिए यूरिया खाते हैं। और सबसे बड़ा डायबिटीज़ का कारण वही है, कोई भी चीज़ आज की तारीख में शुद्ध नहीं मिलती हमको। दूध देखिए तो, सब्जी देखिए तो, राशन एक जो शुद्ध माना जाता था वो भी ज़्यादा उगाने के चक्कर में यूरिया का सहारा और कीटनाशक का लिया जाता है। जैसा कि आप पर्यावरण के लिए इतना सचेत रहते हैं, पौधारोपण भी करते रहते हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कल 3 जगह पौधा लगवाया, बाकेलाल पार्क तहसीलगंज में, नगर निगम पार्क टूड़िया घाट पे। मेरे और मेरे संगठन की तरफ से ये प्रयास रेगुलर चलता रहता है। इसके बाद भी खाली मेरे और मेरे संगठन से चलाने से क्या होगा, जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी इस बारे में तब तक कुछ नहीं होगा। इसमें जनता को आगे बढ़ के आने की ज़रूरत है और सच्चाई से सामना करने की ज़रूरत है। हम बातों बातों में रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। एक दिन इसमें अमल लाना होगा सबको, तभी देश बदलेगा और हम लोग बीमारी से निजात भी पाएंगे।